थोड़ी रुष्ट नाराज रहेगी तो एक पुत्र की खातिर हम ये भी दुख उठाने के लिए तैयार है। तुम्हें नहीं पता है कि समाज में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कोई तुम्हें कमजोर कह के बुला रहा है, कोई मुझे बांस कहती है। इससे बढ़िया ये है कि मौत हो जाती तो ठीक थी। अगर आप विवाह नहीं करोगे तो अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम अपनी आत्महत्या करेंगे, शादी तो आपको करनी पड़ेगी। परिणाम ये हुआ, समझाया बहुत लेकिन मानी एक नहीं, अंत में मजबूरी में महाराज को दूसरी शादी करनी ही पड़ी, हो गया विवाह। देखिए पहली जो घर में औरत है उसका नाम था सुनीत, सुनीत सुमाने अच्छे और नीत माने विचार, अच्छे स्वभाव वाली, अच्छी आदत वाली। और जो दूसरी पत्नी घर में आई उसका नाम था सरुच, सरुच स्वमाने अपनी और उचमाने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात ना सुनने वाली। जब दूसरी शादी महाराज ने की आंगन में, अब हुआ ऐसा महा, अरे फिर महाराज का, दूसरी पत्नी घर पे आ गई पालकी में बैठ करके। बड़ी को खबर मिली कि शादी हो गई, बहुत मगन भई, चलो हमारे महाराज ने बात मानी और शादी कर ली, अब हमारे घर में सुख होगा, शांति होगी। दासी को इशारा दिया है, दासी दरवाजे पे जाओ और हमारी जो छोटी बहन पालकी में बैठी है उसे बड़े सम्मान से बुला के लाओ, उससे जाके कहो कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें घर में बुला रही। दौड़ी दौड़ी दासी आई, वह जहां छोटी रानी पालकी बैठी है तो वहां जाके बोली, बहन चलो घर के अंदर, तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा घर में इंतजार कर रही है। और छोटी ने जब ये सुना कि मेरी बड़ी बहन इस घर में, दासी से बोली, दासी इधर आ, हमें तू परिचय किसका दे रही है, हम यहां कभी नहीं आए, पहली बार आना होगा और मेरे कोई बहन भी नहीं है, और तू बता कैसे रही है। दासी बोली, आपको बताया नहीं है, जो महाराज की बड़ी वाली रानी है ना, उन्होंने तुम बुलाया, जो बड़ी का नाम सुना ऐसे मानो कि जैसे सो कोई सांप सुन गया हो। दासी से बोली, तो सीधी ये क्यों नहीं कहती घर में सोती है, बुला मेरे पति को, हमें घर में लाने से पहले नागिन को पा रखा है, वो हमें नहीं आए, बिल्कुल नहीं जाओगी, हरगिज नहीं जाओगी जिस घर में मेरी सौते, बुला मेरे पति को। वो ताल पाद आए, बोले क्यों, चलो अंदर, काय को बुलाया या काय को खड़ी हो। छोटी बोली, जरा एक बात हमें ये बता, जब पहले से तुम्हारे घर में एक औरत मौजूद थी तो फिर क्यों गए हमारे पिताजी के दरवाजे पे, मेरे साथ शादी करके तुमने जीवन में जहर घोल दिया, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया तुमने। छोटी भगे आए के दौरे पड़ी और बोली, हमें भोग लाए हो।
देख क्या रहे उधर हाँ मेरी बात सुन या तो उस नागल को घर से निकाल करके बाहर फेंक दीजिए या हमारी डोली हमारे पिताजी घर पे वापस भेज दीजिए। तानपाद बोले अब अपनी कहेगी हमारी सुनेगी। तू जिसे सौत बता रही है ना वो सौत थोड़ी है, बहुत अच्छी आदत की है। सच तो ये है उसी ने हमारी शादी कराई है। तू घर के अंदर चल, वो तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बनके रहेगी। तू जो भी काम बताएगी वही करेगी, अंदर चल। छोटी बोली हाँ हाँ बिल्कुल नहीं बात सुना बोली बोली है राजा सेवनिया बोली है राजा सेवनिया मिलाई राम बोली है राजा सेवनिया मिलाई राम सुना बात ये है और तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो घर में रहेगी। या हमें घर भेजो या उसे घर से बाहर फेंको। अरे वो तो सौते हमारी, हमें तो सौत के नाम से ही जलन है, सौत के नाम से ही घृणा है। और बोली मेरे पिया सौत की नहीं जाऊंगी जब तक वो घर में रहेगी। महाराज मेरी बात सुन, महाराज नारग के घर में जाऊंगी और बूढ़ा पटक के द्वारे पे आए मैं शब्दों में छोटी रानी ने कह दिया महाराज अगर वो रहेगी तो हम नहीं रहेंगे और हम रहेंगे तो वो नहीं रहेगी।